नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में नॉलेज एक्सेलरेटर में। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मगध साम्राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ध्यान से देखना है और पहले अपने आप से ही गैस करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? जी दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हाँ दोस्तों देखिए, जो हर्यक वंश था उसके किस राजा को हम कुनिक बोलते हैं? तो वो कौन सा राजा था जिसको हम कुनिक बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कौन दोस्तों? अजातशत्रु। जी हाँ दोस्तों, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी? जी हाँ दोस्तों, जो पाटलिपुत्र नामक जो नगर है उसकी स्थापना किसने करी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो किसने करी थी? वो करी थी आपकी उदयन ने। किसने दोस्तों? उदयन ने। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है कि पाटलिपुत्र को प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? आज जाना जाता है पटना के नाम से दोस्तों। किसके नाम से दोस्तों? पटना के। और पटना जो कि आप सभी को पता है बिहार की क्या है? राजधानी। तो दोस्तों जो आपकी पाटलिपुत्र नगर है उसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? उदयन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि बौद्ध की जो संगतियां हुई थी तो उनके बारे में पूछा गया है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब बौद्ध धर्म के बारे में आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जब ही बताएंगे। तो इस टाइम जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि भाई द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है? काला सोग। जी दोस्तों, जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई वे किसके शासनकाल में हुई थी? काला सोग के शासनकाल में हुई थी। और जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर जो महान है उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उसकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपकी बेबीलोन में। और दोस्तों कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। हाँ दोस्तों, यदि कोई जन्म पूछता है तो जन्म कब होगा? 356 ईसा पूर्व में। और दोस्तों कोई पूछता है कि भारत पर आक्रमण कब किया, तो भारत पर आक्रमण किया था 326 में। और दोस्तों कितने दिन तक ये भारत के अंदर रहे थे? तो ये रहे थे 18 महीने। कितने दोस्तों? 18 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं के बीच एक आमने सामने एक युद्ध हुआ था। जी दोस्तों, सिकंदर की सेना और पोरस के बीच में, जो राजा पोरस थे उनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे हाइड्रोस्पीज का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध कहाँ पर हुआ था? यह युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो उज्जैन है, क्या है दोस्तों? जो उज्जैन है इसका प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंती। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंती है। और उज्जैन इस टाइम कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो कौन सी नदी है? शिप्रा नदी।
कौन सी नदी है दोस्तों? शिप्रा नदी। तो आपका उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंती है, और जो आपका उज्जैन है किस नदी के तट पर है? तो कौन सी नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है सिकंदर के शासनकाल में जो नंद वंश था उसका ही भारत के अंदर साम्राज्य था, उसी के पास सत्ता थी जब सिकंदर ने भारत पर क्या करा था, आक्रमण करा था। तो जो आपका नंद वंश है उसके जो संस्थापक हैं, उसके संस्थापक कौन है? महापद्मा नंद। और नंद वंश के जो अंतिम शासक हैं, तो नंद वंश के जो अंतिम शासक हैं वो आपके कौन है? घना नंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राचीन भारत। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? देखिए क्वेश्चन, इसको देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों देखना, जो पहला यूरोपीय आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यूनानियों के द्वारा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो पहला आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। और कौन से वंश के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हकमनी वंश। कौन सा दोस्तों? हकमनी वंश। जी हाँ दोस्तों, किस वंश के द्वारा? ईरानियों में, ईरान में एक वंश था जिसका नाम था हकमनी वंश, उसने भारत पर पहला आक्रमण किया। दूसरा अथवा पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। और सिकंदर भी आपके क्या थे? एक यूनानी शासक थे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोस्पीज का विस्तार युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोस्पीज का युद्ध मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि ये किसके बीच हुआ है, सिकंदर और राजा पूरस के मध्य। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी बताया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कब किया? सॉरी दोस्तों, ये डबल लिख गया है, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? हाँ दोस्तों, जो आपका मगध साम्राज्य है उसकी जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। कौन सी थी? राजगृह, जो कि हरियक वंश की क्या थी? राजधानी थी। और बिंबिसार और जो आपके हैं अजातशत्रु, इनकी क्या थी? राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? जी हाँ दोस्तों, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिशुनाग था उसने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, तो उसका राइट आंसर है काशी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का महान शासक का शासन था? तो क्वेश्चन, इसके बारे में पहले भी बताया था कि भाई जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम जो भारत पर किसकी सत्ता थी, तो वो किसकी सत्ता थी? वो थी नंदवंश की। किसकी दोस्तों? नंदवंश की। और उस टाइम जो शासक था वो तो कौन था? घना नंद। कौन था दोस्तों? घना नंद शासक था उस टाइम। और दोस्तों नंदवंश के अंतिम संस्थापक भी कौन थे? घना नंद जी थे। और इसके जो प्रथम या नंदवंश के संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे आपके महापद्मानंद। कौन थे दोस्तों? महापद्मानंद जी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो दोस्तों भारत में सिक्कों का और मुद्रा का प्रचलन जो होता है वो होता है कब? 600 ईसा पूर्व में। कब होता है दोस्तों? 600
ईसापुर में। तो दोस्तों इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भारत में पहली कागजी मुद्रा किसने चलाई, तो कलकत्ता बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने चलाई थी। किसने चलाई थी दोस्तों? कलकत्ता बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने चलाई थी। कब चलाई थी दोस्तों? 1770 में। कब चलाई थी दोस्तों? 1770 में। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? कनिष्क ने। किसने चलाए थे दोस्तों? कनिष्क ने। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलते हैं? तो वो चलते हैं गुप्त काल में। किसमें दोस्तों? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और गैस लगाइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो सिकंदर के साथ नहीं आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन है? हेरिटोडस। कौन है दोस्तों? हेरिटोडस। और दोस्तों आप हेरिटोडस के बारे में जानते हो कि हेरिटोडस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है आपके हेरिटोडस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं हरियक वंश की, और उसका शासक था कौन? बिंदुसार। और उसका पुत्र था कौन? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था, और किसकी हत्या कर? बिंबसार की। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी कारणवश दोबारा ऐड हो गया, ये हमारी टेक्निकल टीम में कोई खराबी आ चुकी है जिसके कारण ये क्वेश्चन उन्होंने गलत टाइप कर दिया है, तो इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो आप सभी को पता है मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं थी? कौशाम्बी। कौन नहीं था? कौशाम्बी। और दोस्तों आप सभी को पता है मगध साम्राज्य जो आपके 16 महाजनपद थे उन्हीं में से सबसे शक्तिशाली कौन सा दोस्तों? सबसे शक्तिशाली या पावर में था वो आपका कौन सा था? मगध साम्राज्य था दोस्तों। और ये मगध साम्राज्य इनमें ये सबसे शक्तिशाली था 16 महाजनपदों से। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है कि भाई कौन सा मगध साम्राज्य आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो मगध साम्राज्य आपका, तो दोस्तों पहला है मगध। तो दोस्तों आप सभी को पता है मगध कहाँ पर पड़ता है? तो मगध आपका पड़ता है इस टाइम कहाँ पर पड़ता है? पटना के अंदर दोस्तों। किसके अंदर दोस्तों? पटना के अंदर। तो पहले का क्या मिलान हुआ? पहले का हुआ एक। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे हम पहले का क्या है, पहले में और दूसरे में ए है, और लास्ट के दो आपके ऑप्शन क्या हैं? कट चुके हैं। लास्ट के दो ऑप्शन आपके क्या हैं? कट चुके हैं, क्योंकि उनमें ए के दो दो हैं। तो नेक्स्ट है, वत्स्य कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो वत्स्य भी आपका कहाँ पर पड़ता है? वत्स्य पड़ता है अवध के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट है, कौशल कहाँ पर पड़ता है? तो कौशल पड़ता है आपका कहाँ पर? अवध में दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? अवध में पड़ता है। और आपका अवंती कहाँ पर पड़ता है? मालवा क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों? मालवा क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।